ताल से ताल मिला, से ताल मिला, से ताल मिला। आज तक मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज तूने अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल के मेरी सारी परवरिश पे पानी फेर दिया, ड्राइवर क्या हुआ? पता नहीं सर, उतर के चेक करना पड़ेगा। वैसे यहाँ से करनाल कितनी दूर है? सर हम करनाल बॉर्डर के पास में हैं, पर गाड़ी में जरा बड़ा प्रॉब्लम है सर, मैकेनिक बिना ठीक नहीं हो सकता था गाड़ी। पर मैं इतने टाइम वेट नहीं कर सकता। देखता हूँ सर, कुछ करता हूँ मैं। दूसरा गाड़ी वाला सर यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देता सर, ये एरिया में। हाय आकर्ष। हाँ भाई, क्या बात हो गई? हमारी गाड़ी ने रोक रहा था तू। ब्रो एक्चुअली टैक्सी खराब हो गई है, तो आगे तक लिफ्ट मिलेगी? चल कोई ना, सामान था राजा नहीं चौधरी गाड़ी में। थैंक्स अ लॉट ब्रो। ड्राइवर। जी सर। सामान निकालो। वाओ, ब्रो मुझे कभी नहीं लगा था मुझे ये सब मूवीज के बाहर देखने को मिलेगा। आई मीन यार, लुक एट दिस ट्रीज, कितने इंटरेस्टिंग है। एंड यार ये फूल देख, बहुत ही सुंदर। मन्ने ना पता था जनानियों वाले शौक तन्ने भी हैं। वाओ क्या फूल है, वाओ क्या खुशबू है। वेल शायद तू हमेशा से ये सब देखते आया है, इसलिए तुझे इन सब की वैल्यू नहीं है। हो सके। नील, ये डैशबोर्ड इस मॉडल में नहीं आता है। दिस इज कस्टमाइज्ड, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा भाई तन्ने। 22 गाड़ी में गाड़ी के अलॉय से लेके म्यूजिक सिस्टम से लेके सब कुछ मैंने सामने बैठ के लगवाया। मन्ने मॉडिफाइड गाड़ियों का बड़ा शौक है यार। इस मामले में हम दोनों सेम हैं। क्या बात है भाई। वैसे तू कौन सी गाड़ी चलावे? पर्सनली ब्रो कैडिलैक चलाता हूँ, पर घर पे जो भी नई गाड़ी आती है ना, टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता हूँ। नील, अबे आके है बटर, दो मिनट पहले लोग के गोल्ड से मेडल ले लिया तने, उधर नीचे देता हूँ तने मैं गोल्ड मेडल, उधर। भाई जी गलती हो गई, माफ कर दो। चल जाए यहाँ से। अरे ठीक है यो। अरे के जनानी उतर लेके बैठ गया इसने, छोट भी दे। अब ये मत बोलो कि फोटो भी खींच दूं तेरी। एक मानना पड़ेगा भाइयों, जीव जंतु से बड़ा प्यार है तुमने। ब्रो प्यार तो तुझे भी है, वरना टेम्पो वाले पे चिल्लाता क्यों? अरे चल अब डायलॉग बाजी बंद कर अपनी,
करनाल पहुंचना है मन्ने। अरे आजा चला जाएगा आजा। सुरेंद्र। हाँ माँ। कल बैंक से तेरे नाम की कोई चिट्ठी आई थी। पर यो घर में तमाशा ही खत्म ना होवे तो भूल ही गई देना। अल्ले। अच्छा। सुरेंद्र कंवर, आपके अधो हस्ताक्षरी द्वारा आगाह किया जाता है कि मोजा सदर बग्गा साकिन करनाल स्थित आपके मकान व खेती की जमीन जिसका रकबा 20 कनाल है के मुआविज आपने करनाल राष्ट्रीय बैंक से मोटे नकदी ऋण 5,00,000 रुपए लिए थे। यह एक मुसीबत और आगे समझ नहीं आ रहा है ये करो और ये नहीं करो। सुरेंद्र क्या बात है, कोई परेशानी है? ना माँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा रे जरा बैठ। बेटा मान ना कि इस उम्र में आंख से मने कम दिखे लेकिन माँ हूँ तेरी, तेरे माथे पर हर सलवट बिना चश्मे के पड़ सकूं। अब बता मन्ने के बात बता। ये बताओ माँ, 4 महीने हो गए तनख्वाह की शक्ल देखे हुए और घर के खर्चे कम ही नहीं हो रहे, यूं के यूं चल रहे हैं बस। ऊपर तो ये बैंक का नोटिस आ गया, अगर 15 दिन के अंदर अंदर इनकी किश्त जमा नहीं करवाई तो जो बैंक के पास हमारी जमीन गिरवी पड़ी है ना, बैंक उस पर कब्जा कर लेगा। और आपने तो पता नहीं मेरे पास ये जमीन ही बस जमा पूंजी है, अगर बैंक ने यो भी जब्त कर ली तो समझ नहीं आ रहा कि रोशनी का ब्याह कैसे करूंगा। बात तो परेशानी की है बेटा, एक काम क्यों नहीं करता, वो नील के दादाजी है ना उनसे थोड़ा कर्जा ले ले। कैसी बात कर रही है माँ, जिस घर में लड़की ब्याहनी हो हम उस घर का पानी भी नहीं पीते और आप उन तब कर्जा लेने की बात कर रही हो ना, यो काम नहीं होगा मेरे तो बिल्कुल भी। कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा माँ। ओह कैसी लग रही है हमारे शहर की चाय तन्ने? It's pretty good. ए मैंने भी देना। वैसे तुमने बताया नहीं कहाँ से तू? हाँ ब्रो मैं तो ड्रामा में चल जाके मारी तो मारे लग रहे। हेलो हेलो एक मिनट आ। हेलो यस मिस्टर मैनेजर हाउ आर यू? नील भाई राम राम। हाँ राम राम, ये लठवड़ लेके किस जा रहे हो? मिस्टर जयसिंह इस शो को लेके करनाल में बवाल हो गया है, आपको आना होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। वापस आना होगा? Why? हाँ वो अज्जू भाई ने ना हर गाड़ी की चेकिंग करने के लिए बोला है ताकि मुंबई वाले लौंडों के नाम बॉर्डर पे ही खातिरदारी कर पावे, क्या कि वो बम्बई का रिटर्न टिकट ना खुद ही निकाल लेवे। अच्छा नील भाई जी एक बात बताओ मने, जो लड़का है आपके साथ ये कौन है? वो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये सब मैंने अपने रिस्क पे किए तो मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, आपको करनाल कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट सर डोंट वरी आई विल मैनेज। तो हमारे शहर का मेहमान है, हमारा मेहमान है और कुछ बढ़िया कौन बढ़ा दिया जो है तुम सबकी है, तो नील चौधरी से इतने सवाल कर रहे हो? नाना भाई जी जूते पड़े मन्ने अगर ऐसा कुछ हो तो वो तो आप अज्जू भाई ने जानते ही हो ना,
प्योर जुड़े में नया जोश चढ़ गया उस लौंडे ने ढूंढने का। आपके घड़ी घड़ी ढूंढते फिरेंगे क्या उसने? अच्छा नील भाई जी, कम से कम आप उस मुंबई वाले लौंडे की तस्वीर तो देख लो, के पता आपको कहीं दिख जावे। अरे भाई वो फोटो वाला अखबार तो ला जा रहा। कोई शौक ना इस चक्कर में पड़ने का, आपके कड़े कड़े फोटो निकालेगा मेरी। चल निकलो। नील वो लोग कौन थे? अरे अभी तू जवाब जवाब कम कर, थोड़े दिमाग गर्म रखा, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इनकॉम चलो वो सब छोड़ के बता के काम है तुमने करनाल में? बिजनेस। मैं ना एक्चुअली बिजनेस के लिए आया हूँ। मैं उदयपुर से हूँ, यहाँ कपड़े की फैक्ट्री लगवाने के लिए जगह देखने आया हूँ। ओह के बात है, फैक्ट्री सेक्ट्री बड़े लोगों ने आज बड़े लोग मिल गए। चीयर्स टू दैट देन। चीयर्स। दिस इज द स्पॉट। लो भाई तेरा ठिकाना आ गया। या ब्रो। ब्रो थैंक्स स्लिप देने के लिए। अरे यार, अरे इसमें थैंक्स ही की बात है, तू तुम्हारे भाई जैसा है। अगर तुमने शहर में कोई भी तकलीफ हो ना, मन्ने याद कर लियो, ठीक है? श्योर, बट तूने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। अरे भाई शहर में ना नील चौधरी का नाम ही काफी है, किसी से पूछ लेगा ना तने घर तक छोड़ के जाएगा। तू शहर का रॉकस्टार है। हाँ बस यही समझ ले। Excuse me. राम राम भाई जी। हाय, मेरा नाम है आकाश जयसिंह, मुंबई से। मेरे नाम से रूम बुक होगा। माफ करना भाई जी, तारे कोई गलतफहमी हुई थे, तारे नाम से कोई रूम बुक ना है, और अफसोस की बात है कि यहाँ कोई कमरा भी खाली ना है। What? ऐसे कैसे हो सकता है? बुकिंग ना है, 3-4 दिन पहले कंफर्म हुई थी। अरे हाँ बुकिंग होएगी, पर अब समझो बुकिंग कैंसिल और नई बुकिंग भी ना होगी, समझे के? अब जाओ भाई जी यहाँ से। अरे क्या देख रहे हो भाई जी, जाओ इससे पहले यहाँ कोई नया बकेड़ा खड़ा हो जाए। ऑर्गेनाइजर वाज राइट, करनाल में सिचुएशन सही नहीं है, बट फिर भी मैं अपना काम पूरे किए यहां से नहीं जाऊंगा। Thank you.
डूड, अगर किसी ने जन्नत का एड्रेस मांग लिया ना तो मुझे यहीं का देना पड़ेगा। सो तो है। मैं ना उदयपुर से आया हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ कहीं रहने के लिए जगह मिलेगी? अभी तो 10-15 दिन लगेंगे। सुनिए, आपको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए क्या? या? शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रियली? अपना हाथ आगे कीजिए। या सीधा हाथ और दोनों साथ। ओह सॉरी। रुमाल है आपके पास? या। थैंक यू। वेलकम। परविंदर को तो कल ही मैंने घर दिलवा दिया अपने दलवीर के दुकान के पास। अच्छा भाई, बहुत दिन से घर ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। नमस्ते नमस्ते। मैं ना उदयपुर से आया हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ कहीं रहने के लिए जगह मिलेगी? एंड डोंट वरी, मैं पैसे भी दे दूंगा। अभी तो 10-15 दिन लगेंगे। 10-15 दिन? थैंक यू थैंक यू। शायद पापा जी की परेशानी का हल ऐसे निकल सकता है, मुझे इनसे एक बार बात करनी चाहिए। आप सुनिए, आपको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए क्या? या। शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रियली? Yeah, that's awesome. आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर जाकर बात करके आती हूँ। Sure. गीता, प्रशांत। ना दे, जीतती रहे जीतती रहे, कम से कम जब तक तू है तब तक बुढ़ापे में भगवान जी का प्रसाद तो मिल ही जाएगा, वरना मुझे गए तो जमाना हो गया। इसलिए तो मैं बोलती हूँ आपसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लो और मेरे साथ रोज मंदिर चला कर। लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं है। तू तो छोड़ दे छोरी है, मेरी माँ ने कुछ हो गया ना तो बड़ी आफत हो जाएगी। ओ कमो, सबको अपने जैसा ना समझ, खुद ने देख, जब देखो तब ठूसती रहती है। पापा जी, प्रशांत, पापा जी से क्या बोलूं, कैसे उनसे किराएदार के बारे में बात करूं मैं? क्यों है? पापा जी, वो मैं ये पूछ रही थी कि ऊपर वाली बरसाती की सफाई कर दूं क्या? घर दे? इसमें मेरे तो पूछने की बात है। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि क्या हम वहां किराएदार नहीं रख सकते? क्योंकि बरसाती खाली ही पड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए। अरे मेरे बाप ने सारी जिंदगी लगा दी करनाल में अपनी इज्जत कमाने के लिए, और ये 2 मिनट में बर्बाद करेगी, हैं? कमरा किराए पे दे। पर बुआ जी, पापा जी को बस।
लाडो रानी का नया ड्रामा, घर को सराय बनाएगी, बाहर के लोग आके रहेंगे। इसमें सराय की क्या बात हुई मम्मी, वैसे भी चूहे घर बना रहे हैं बरसाती में, इससे तो अच्छा है कि कोई आदमी रह ले। बात तो ठीक कह रहे सॉरी। अरे सुरेंद्र, चार पैसे ही घर आएंगे। हाँ माँ, आपने कहा बुरी लगेगी अपनी लाडली की बात। अरे भाई ने कभी कोई कमी छोड़ी है इस घर में? अरे अच्छा खासा काम चल रहा है उनका, समाज में रुतबा है। कमरा किराए पे देगी, जवान छोरी है, हैं? घर में कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे नजरें रखेंगे। अरे अम्मा कुछ सोच, इतनी बदनामी होगी। अरे मेरे बाप ने सारी जिंदगी लगा दी करनाल में अपनी इज्जत कमाने के लिए, और ये दो मिनट में बर्बाद करेगी, हैं? कमरा किराए पे देगी। पर बुआ जी, पापा जी को बस। कमो सही कह रही है, ये किराएदार बरायेदार के चोचले इस घर में नहीं चलेंगे। क्या कमी है इस घर में? अरे लेकिन सुरेंद्र। बस माँ, अब मैंने इस बारे में इस घर में कोई बहस नहीं चाहिए। डांस कंपटीशन का फॉर्म मैंने इसे भर दिया है, तो प्लीज इसे अपने कॉलेज में सबमिट कर देगी? जरूरत है डॉक्टर की डिस्पेंसरी की। इस वक्त मुझे डिस्पेंसरी नहीं, कमरे की जरूरत है। मैं ना एक्चुअली बाहर से आया हूँ एंड रेंट पे कमरा चाहिए मुझे।